हेलो एवरीवन, अगर आप भी एक मामा हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि बच्चों को खाना खिलाना कितना मुश्किल काम है, और वो भी तब जब उनकी तबीयत सही नहीं हो। मतलब खांसी जुकाम बुखार में तो बच्चे खाना खाना भूल ही जाते हैं। तो इसीलिए आज की जो रेसिपी है वो है सिंपल मूंग दाल की खिचड़ी की। ये खिचड़ी मैं अपने बच्चे को लंच में भी देती हूँ, डिनर में भी दे देती हूँ। मतलब उसके लिए आजकल मैं इसी तरीके से खिचड़ी बनाती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो अगर आपका बच्चा बीमार है या खांसी जुकाम बुखार है, खाना नहीं खा रहा है सही से, तो आप उसको खिचड़ी बना के खिला सकते हैं। और 1 साल से बड़े बच्चों के लिए तो ये डेली बेसिस पे भी आप बना सकते हैं। तो मैंने लिया है थोड़ा सा चावल, थोड़ी सी मूंग दाल, थोड़ी सी मटर के दाने और थोड़ी सी गाजर, आधा से भी कम कटोरी है ये। और इन सबको मैं गर्म पानी में भिगा लेती हूँ 5 मिनट के लिए। मतलब ये खिचड़ी 10 मिनट में बनके तैयार हो जाएगी, जल्दी जल्दी में बन जाती है और हेल्दी इतनी है, बहुत अच्छे खा लेते हैं बच्चे। मूंग दाल जल्दी से गल भी जाती है और चावल के साथ ही बहुत अच्छे से, मतलब मिक्स होके बहुत अच्छी खिचड़ी बनती है और बच्चे अच्छे से खा लेते हैं। तो सब चीज़ों को मैं रख लूँगी अलग। और अब हम काटेंगे थोड़ा प्याज, टमाटर और अदरक लहसुन। तो मैंने लिया है एक प्याज, एक टमाटर, छोटा सा टुकड़ा अदरक का और छोटा सा टुकड़ा लहसुन का। इन सभी को मैं अच्छे से धो के और बारीक काट लूँगी। तो सभी चीज़ों को मैंने धो लिया है और अब हम इनको काटेंगे चॉपर की हेल्प से। चॉपर की हेल्प लेना बहुत ही अच्छा होता है। मतलब जल्दी जल्दी में अगर आप खाना बना रहे हो ना, तो चॉपर अगर आपके पास है तो ये हमारा काम मतलब बहुत ही आसान कर देता है, और इसमें सारी चीज़ें अच्छे से भी कट जाती हैं, बहुत बारीक बारीक। तो ये तो सभी के घर में होना चाहिए। मतलब बच्चे साथ में हैं तो हमें इतनी जल्दीबाजी रहती है खाना बनाने की, तो इससे काम आसान हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने काट ली है, प्याज अदरक और लहसुन साथ में ही मैंने काट लिया है। तो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने एक कुकर ले लिया है, इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच सरसों का तेल। आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं, और घी है तो घी में भी बना सकते हैं। तो इसमें मैंने सरसों का तेल डाल दिया है। अब मैं डालूंगी राई के दाने, 1/2 चम्मच मैंने राई के दाने डाले हैं, और 4 मैंने इसमें डाली है काली मिर्च। काली मिर्च इसलिए डाली है, थोड़ा बच्चे को सर्दी जुकाम में गर्माहट मिले, मतलब बच्चे को थोड़ा गर्मी हो। तो अब मैंने इसमें डाल दिया है 4 से 5 कड़ी के पत्ते, और उसके बाद मैंने डाल दिया है प्याज टमाटर अदरक लहसुन का जो पेस्ट था, सॉरी मतलब प्याज और अदरक लहसुन का जो मैंने काट के रखा था चॉपर में, वो अब इनको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मतलब प्याज को थोड़ा सा पकाना है, कच्चा नहीं रखना। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। टमाटर मैंने चॉपर से नहीं काटे, लेकिन आप टमाटर तो आप मोटा मोटा भी काट सकते हो, वो गल जाती खिचड़ी के साथ। तो इसी तरीके से आपने इसमें टमाटर भी ऐड कर लेना है। इनको थोड़ा पका लें, मतलब अब इसमें जब टमाटर डाल दिए हैं तो उसके बाद डालें नमक और हल्दी। जब नमक हल्दी आप डाल दें तो इसको फिर थोड़ी देर और चलाना है। और अब इसमें हम ऐड करेंगे सब्जियां, जो सब्जियां मतलब हो आपके पास। तो मैंने हल्की ही सब्जियां ली हैं, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा सब्जियां मैंने डाली भी नहीं, फिर खिचड़ी खिचड़ी नहीं रहती, मतलब वो थोड़ी मोटी हो जाती है। तो थोड़े से मैंने इसमें डाले हैं गाजर, थोड़ी सी मैंने डाली इसमें मटर। आप चाहें तो इसमें आलू भी डाल सकते हैं। आलू से क्या होता है कि जैसे कभी नमक मिर्च ज़्यादा पड़ जाता है, तो आलू इसमें डालेंगे और आप खिचड़ी के साथ उसको मिक्स करेंगे ना, तो मतलब बैलेंस हो जाता है खिचड़ी में नमक मिर्च का। तो इस तरीके से आप आलू भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला है, मैंने सिर्फ गाजर और
मटर डाले हैं। थोड़ी देर में ढक्कन लगा के इसको पकने देती हूँ। और अब मैं इसमें डालती हूँ चावल। चावल और दाल मैंने पहले से ही भिगो के रखे थे, गर्म पानी में अच्छे से वॉश करके मैंने इसमें डाले हैं चावल। और ये अब मैं डाल रही हूँ मूंग की दाल। तो सभी चीज़ें मैंने अब इसमें डाल दी हैं। इनको थोड़ी देर अच्छे से चलाएंगे, मतलब थोड़ी 2-3 मिनट इसको पकने देंगे ऐसे ही। जब सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाए तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं काली मिर्च का पाउडर अगर है तो। थोड़ा सा मैंने जीरा पाउडर डाला है और थोड़ी सी मैंने गरम मसाला डाला है। तो आप इन सभी को भी चावल और दाल के साथ अच्छे से मिला लेना है। जब सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएं तो आप इसमें डालोगे पानी। पानी आप अपने हिसाब से डालना, मतलब आपको पतला खिलाना है बच्चे को तो ज़्यादा पानी डाल देना, और थोड़ा आप चाहते हो कि गाढ़ा हो, बच्चा खुद ही खा ले, तो थोड़ा बड़ा बच्चा है 3 साल का, 3 साल से बड़ा बच्चा है तो वो चम्मच से उठा के खुद ही खा सकता है, तो आप थोड़ा गाढ़ा बनाएं, पानी कम डालें। तो मैंने तो पानी ढेर सारा डाला है क्योंकि थोड़ा मैं लिक्विड ही चाहती थी, तो इसलिए मिर्ची मैंने नहीं डाली है इसमें, आप चाहे तो डाल सकते हैं। तो अब हम इसमें लगने देंगे 2 सीटी। मैंने गैस की फ्लेम हाई रखी है और इसमें मैं आने देती हूँ 2 सीटी। 2 सीटी आने के बाद हम कुकर को बंद कर देंगे और ठंडा होने के बाद हम इसको खोलेंगे तो हमारी खिचड़ी बनके तैयार हो जाती है। और बहुत ही अच्छी खिचड़ी बनती है। आप चाहे तो इसमें धनिया पत्ती डाल सकते हैं, लेकिन मेरा बेटा तो नहीं खाता है, उसको वो पत्ती नहीं अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं सिंपल रहने देती हूँ, उसको सिंपल ही पसंद आती है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। आप चाहे तो घी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन खांसी है तो मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, बिल्कुल सिंपल सी ये रेसिपी है। आप ज़रूर ट्राई करना बच्चे के लिए, और 1 साल का बच्चा है तो उसको तो आप लंच डिनर कभी भी आप खिला सकते हैं। जब अभियुक्त छोटा था तो वो मूंग दाल की खिचड़ी बहुत खाता था, थोड़े से चावल के साथ मूंग दाल की खिचड़ी बहुत टेस्टी होती है। तो इस तरीके से आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, और अपने बच्चों को जब वो बीमार होते हैं तो ऐसे नहीं बोलना कि नहीं खा रहा है तो नहीं देना है, उसको ज़रूर जितना भी वो खाए, 2 चम्मच भी खाए ना, तो तभी वो दवाइयाँ भी लगती है अगर दवाइयाँ चल रही है तो खाना खिलाना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसा बनाऊँ कि मतलब वो खा लें, क्योंकि जब वो नहीं खाता तो मेरा मन भी नहीं करता खाने का, और मैं तो वही बना मतलब वही खाती हूँ मैं जो वो खाता है। तो ये खिचड़ी जितनी भी उसने खाई, उसके बाद जितनी बची थी सब मैंने खाई, और सही बताऊँ ये खिचड़ी कोई भी खा सकता है, बड़े बूढ़े सबके लिए बहुत अच्छी है। तो ये बन गई है, ना ज़्यादा मोटी बनी है ना ज़्यादा पतली, अच्छी सी क्वांटिटी में ये तैयार हो गई है। इसमें जितने भी काली मिर्च या कड़ी के पत्ते मैंने डाले थे वो सारे मैं हटा लेती हूँ एक एक करके, जितने भी मेरे को दिखते हैं। तो इस तरीके से तुम अपने बच्चे को खिलाती हूँ। आप कैसे अपने बच्चे को खाना खिलाती हैं या आपका बच्चा खाता है कि नहीं, आप मुझे कमेंट में बताना। और आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी आप बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको पसंद आई होगी वीडियो, और ज़रूर ट्राई करना ये रेसिपी। रेसिपी क्या है, मतलब सब बनाते हैं लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। अभी तो ये गर्म है तो मैं इसको ठंडा करने के लिए इसको प्लेट में डाल के खिलाती हूँ बच्चे को। अगर आप 1 साल से बड़े बच्चे को खिला रहे हैं, मतलब 1 साल का है बच्चा, तो आप ना इसमें जो मटर हैं, जो गाजर हैं, उनको अच्छे से मिला लें चम्मच से। जब आप इसको अच्छे से मिला लेंगे चम्मच से तो वो बच्चे के मुंह में भी नहीं लगेंगे और बच्चा आराम से खा लेगा। तो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।